नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक खुद का घर का बनाया हुआ बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू आप बाजार से खरीदते होंगे, हमने देखा है, हमने खुद काम किया है इन फैक्ट्रियों में, कैसे बनाते हैं वो बेसन का लड्डू। वो क्या करते हैं, जो उसमें आप चीनी मीठा खाते हैं ना बेसन के लड्डू में, वो चीनी होती है, वो बहुत ही पुरानी, एक साल पुरानी उनकी चीनी रखी होती है, जिसमें वो केमिकल डाल करके जमा कर रख देते हैं और बाद में एक और केमिकल मिला करके उसको फिर पिघला देते हैं। उसके बाद वही चीनी, वही खांड, वही आपको बेसन के लड्डू में मिला के खिला देते हैं और आप खाते हैं और खुशी खुशी घर जाते हैं। इससे अच्छा बढ़िया लड्डू हम आपको बनाना सिखाएंगे, आप घर में ही बहुत ही कम कीमत पर खुद का बनाया हुआ बेसन का लड्डू तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है इसका। कैसे करना है, आपने बेसन ले लेना है, आधा किलो बेसन ले लीजिए और उसको साफ करके अच्छे से छान करके दाने दाने दार उसमें जो मोटे मोटे दाने होते हैं उसको निकाल करके फेंक देना है और ब्रीक ब्रीक सा अच्छी तरह छनने से छान लेना है। छानने के बाद आपने क्या करना है कि कढ़ाई में देसी घी लेकर के उसको हल्का हल्का भून लेना है, उसका कच्चापन खत्म कर देना है। उसके बाद आपने उसको निकाल करके छन्नी से एक बार फिर छान लेना है। अच्छी तरह छानने के बाद दाने दाने उसमें आपको दिखने लग जाएंगे, बिल्कुल रेत की भांति दाने दाने होने लग जाएंगे। और आपने क्या करना है कि घर की खुद देसी खांड की आपने परत चाशनी बना लेनी है, पानी डाल करके, देसी खांड में पानी डाल करके घर में अच्छी चाशनी बन जाती है। आप खुद की चाशनी घर बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब पतली पतली सी चाशनी बन जाए और हाथ से देखने पर उसमें तार निकलने लग जाती है, तार से भी कम वाली चाशनी बनानी है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी, उससे भी कम वाली चाशनी बनानी है जिसमें तार भी ना बने। और उस चाशनी को हमने बेसन की जो छन की छान करके रखा हुआ है उसमें डाल देनी है, उसमें अच्छी तरह मिला करके उसको उसमें देसी घी साथ में थोड़ा डाल के हाथों को अच्छी तरह देसी घी लगा के और थोड़ा सा देसी घी उस मिश्रण में डाल करके आपने हाथ से ही गोल गोल से लड्डू बना के रखते जाना है। और जब ठंडे हो जाए तो आप उसको खा सकते हैं। शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू घर में खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।